हेलो वेलकम टू शांतनु सर ऑनलाइन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी फिजिक्स ऑनर्स सिलेबस के बारे में। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कितने मार्क्स जो है हमारे टोटल ग्रेजुएशन के अंदर कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, कितने उसमें से ऑनर्स के मार्क्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो टोटल जो है वो ग्रेजुएशन में जो हमारा है वो हमारा 1500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर हमारा 800 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। मतलब हर ईयर आपको जो है 500 मार्क्स के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से जो है टोटल 1500 का मार्क्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे, और जो है ऑनर्स में जो है आपका वो 800 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड में आपको कितने कितने मार्क्स के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आइए कि बीएससी पार्ट वन में जो देखते हैं, पार्ट वन में 200 मार्क्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब दो प्रैक्टिकल पेपर होंगे और आपको दो दिन एग्ज़ाम सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। देखिए पेपर फर्स्ट में थ्योरी जो होगा वो 75 मार्क्स करेगा, प्रैक्टिकल 25 मार्क्स करेगा। सेम टू सेम दूसरे दिन के पेपर में जो है थ्योरी 75 मार्क्स करेगा, प्रैक्टिकल 25 मार्क्स करेगा। एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, ये टोटल जो ये जो है 75 मार्क्स के थ्योरी और 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल, 75 मार्क्स के थ्योरी पेपर में आपको जो है कम से कम 33 नंबर लाना आपका जो है सो वो एकदम मैंडेटरी है, एकदम अनिवार्य है कि 33 से आप कम नहीं ला सकते, पासिंग मार्क है 33 नंबर। और दूसरा जो है ये एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल का होता है वो आपके कॉलेज पे हो सकता है या कॉलेज कोई सेंटर दे उस पे जाके हो सकता है। तो आपका टोटल जो है पार्ट वन में 150 नंबर का जो है वो थ्योरी पेपर और 50 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर। सेम जो है बीएससी पार्ट टू में अगर आप आएंगे तो बीएससी पार्ट टू में भी आपका जो है थ्योरी पेपर जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा, और दो पेपर आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाके देना होगा, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ। सेम टू सेम पार्ट वन के जैसा है, थ्योरी जो है वो पेपर थर्ड में 75 मार्क्स का, प्रैक्टिकल जो है 25 मार्क्स का, पेपर फोर्थ में भी थ्योरी 75 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का। मतलब टोटल थ्योरी 150 मार्क्स का और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। अब आ जाइए दोस्तों बीएससी पार्ट थर्ड में, जो टोटल 400 मार्क्स का होगा, पेपर फाइव, पेपर सिक्स, पेपर सेवन, पेपर एट। देखिए पेपर सेवन तक जो है वो थ्योरी पेपर है और वो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको 45 नंबर्स कम से कम आने चाहिए तभी आप जाके इसमें पास माने जाएंगे। और पेपर एट जो होगा वो प्रैक्टिकल का होगा, वो 100 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल आपका। तो ये था जो है सो टोटल जो है किस तरीके से आपका जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बीएससी पार्ट वन और पार्ट थर्ड के बारे में। अब आइए हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, उसका जो है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के सिलेबस को देखिए। आप देखिए सिलेबस का जो ऑनर्स का जो सिलेबस है वो आपको इजीली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा और आपको किसी भी स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ता है जो है वो बीएससी के अंदर। तो आइए बीएससी पार्ट वन ऑनर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था पेपर वन और पेपर टू होता है। देखिए हर पेपर के दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो देखिए ग्रुप ए के अंदर क्या होता है, ग्रुप ए के अंदर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आप देख सकते हैं कि इस मैथमेटिकल फिजिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कुछ यहाँ पे जो हैं सो टॉपिक्स दिए गए हैं। अब आइए इसके अंदर देखते हैं कि ग्रुप ए में और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए पेपर ए का ही जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वेक्टर, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलेंडर वायर, ये सब आप देख रहे हैं। तो सब में कितना कितना लेक्चर दिया है सब आपको बताया गया, कितने लेक्चर को आपको तैयारी करना पड़ेगा। फिर पेपर वन का जो है वो ग्रुप बी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑसिलेशन एंड वेव्स एंड एकाउंटिंग, उसका भी जो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह भी जो है सो बताया गया कि कितने कितने लेक्चर पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कि जो कुछ सजेस्टेड बुक है कि आप किस बुक से पढ़े, तो उसका भी नाम यहाँ पे दे दिया गया है। पार्ट वन पेपर टू के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो ग्रुप ए के अंदर आता है वो थर्मल फिजिक्स है, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना और रियल गैसेस। अब इस साइड आप देख लें उसी में है जो है यहाँ पे कंडक्शन ऑफ हीट, रेडिएशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो है सो पेपर टू का जो है पार्ट ए है। पार्ट ए के अंदर ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक फंक्शन, चेंज ऑफ स्टेट, और जो ग्रुप बी है उसके अंदर आपका आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें गॉस लॉ आ जाता है। इस साइड आप देख लें तो ग्रुप बी में जो है मल्टीपल एक्सपेंशन, डाई इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिकल इमेजेस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट। तो आप अभी आपने देख लिया कि इसमें जो है पेपर टू के ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन कौन से जो है सो आपका जो है सो ग्रुप बी के अंदर किस किस टॉपिक पे आपको जो है सो पूछा जाएगा। इसके बाद जो है ग्रुप बी के अंदर एक और टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पर जो है आपका सजेस्टेड बुक भी दिया गया कि किस बुक से जो है आप किस बुक से आप पढ़ें, यहाँ पर जो है बुक का रेफरेंस भी दे दिया गया।
और यहाँ पे आपका जो पार्ट वन में प्रैक्टिकल पेपर होगा उसके भी कुछ टॉपिक आपको दे दिए गए हैं और उसका भी सजेस्टेड बुक आपको बता दिया गया है। अब यहाँ बीएससी पार्ट टू के अंदर आप देखिए कि ऑनर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पूछा जाएगा। तो पेपर थर्ड के अंदर जो ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए में जो है आपका ऑप्टिक्स आएगा, जिसमें फार्मेट्स प्रिंसिपल का कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम, इंटरफेरेंस, और उसके बाद जो है इसके अंदर आपको पूछा जाएगा डिफ्रैक्शन। देख लीजिए सारा टॉपिक आपको जो है यहाँ पे दिखाया गया है, आप उस हिसाब से आप तैयारी कर लें। उसके बाद डिफ्रैक्शन के बाद जो है, इसके बाद जो उसमें पेपर थर्ड के जो ग्रुप बी के अंदर आता है उसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक मैक्सवेल इक्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप एक एक करके इसके जो है सो आप देखते जाए कि किस लेक्चर को आपको करना है। उसके अंदर प्रिज्म, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके बाद रोटेटरी पोलराइजेशन, ऑप्टिकल फाइबर, तो आप देख सकते हैं कि ये सब आपको पूछा जाएगा। उसके साथ साथ सजेस्टेड बुक भी हर जगह बता रहा है कि हर जो है ग्रुप के अंदर आपको बता रहा है कि किस बुक से आप तैयारी करें। हम बात करते हैं पेपर फोर के अंदर आपको जो है सो क्या पूछा जाता है, ग्रुप ए में क्या पूछा जाता है, ग्रुप बी में क्या पूछा जाता है। तो ग्रुप ए के अंदर आ गया इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जो है उसी के से रिलेटेड जो है बैरिंग करंट, ग्रोथ ऑफ डीके करंट्स इन आरसीआरएल एलसीआर सर्किट्स है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सो नेटवर्क थ्योरम्स, आइडियल कॉन्स्टेंट वोल्टेज, उसके बाद सर्किट एनालिसिस, एसी सर्किट, तो इतना पेपर इतना जो है ग्रुप ए के अंदर इतना पूछा जाएगा। और पेपर चार के अंदर जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी के अंदर जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सेमीकंडक्टर, डायोड्स, बाइपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर, बीजेटी, और आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे पास हैं, जैसे टू टर्मिनल डिवाइस एंड देयर एप्लीकेशन, एम्पलीफायर्स, कपल्ड एम्पलीफायर्स, फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, सिनसोइडल ऑसिलेटर्स, उसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ ही साथ उसका जो सजेस्टेड बुक है उसको भी बता दिया गया कि किस बुक से आप जो है पढ़ें। इसके बाद आपका जो है पेपर टू में पार्ट टू के जो अंदर जो प्रैक्टिकल पेपर आता है 50 मार्क्स का, उसके अंदर का भी टॉपिक आपको बता दे रहा है। आपको यहाँ पे बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वन से लेके जो है सो यहाँ पे जो है आपका टोटल 13 प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं, और उसके साथ सजेस्टेड बुक भी है। अब आ जाते हैं हम कि बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर जो है पेपर फाइव से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप अभी देखते आ रहे हैं कि हर पेपर के अंदर जो है दो दो ग्रुप बांटा गया, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो आइए आप देखते हैं पेपर फाइव के अंदर जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या पूछा गया। तो पेपर फाइव ग्रुप ए के अंदर आपका आ जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसमें जितने भी आप बीएससी में पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे अगर आप एमएससी करेंगे तो उसमें भी टॉपिक आएगा। तो इसीलिए आप जो है अभी अच्छे से इसको पढ़ते जाएं ताकि आप नेट जो है आगे जाके नेट क्वालिफाई कर सके, जेआरएफ क्वालिफाई कर सके। तो देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है टॉपिक है लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद उसके अंदर जितने भी लेक्चरर हैं उसको आपको बताया गया, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल सिस्टम, पार्टिकल्स एंड वेव। उसके साथ साथ ग्रुप ए में और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट आ गया, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गया। और पेपर पाँच के जो ग्रुप बी में आता है वो है स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, जिसमें आता है क्लासिकल स्टेटिस्टिक, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, उसके बाद बोस आइंस्टीन स्टेटिक्स, फर्मी डिराक स्टेटिक्स। अब आप बात कर लेते हैं कि पेपर सिक्स के अंदर ग्रुप ए के बारे में, तो देख सकते हैं आपकी यहाँ पे कि न्यूक्लियर फिजिक्स एंड कॉस्मिक रे जो है इस साइड आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके, आप जिसको आपको पढ़ना है इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं, डिटेक्टर्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एक्सीलरेटर्स, और इसके साथ साथ आपको कॉस्मिक रेज, एलिमेंट्री पार्टिकल्स और जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसका कुछ सजेस्टेड बुक के बारे में भी आपको बता दिया गया, जैसे कि हर में जो है आपको सजेस्टेड बुक भी बता देता है। उसके बाद जो है ग्रुप ई है पेपर सिक्स का जो ग्रुप बी है उसके अंदर आप देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपका मैग्नेटिज्म, डाया, पैरा मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, तो पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। इसके साथ साथ का जो है वो सजेस्टेड बुक्स के भी बारे में बता देंगे, कौन सा बुक आप प्रीफर करें, आप कौन सा बुक लें, उसका रेफरेंस आपको दे दिया गया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं पेपर सेवन, पेपर सेवन के अंदर देखिए जो ग्रुप ए है उसमें आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ पाँच लेक्चर हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लेक्चर को यहाँ पे बताया गया, तो ये जो है वो सारा का सारा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर आ जाता है। उसके बाद जो ग्रुप बी है उसमें है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रो
स्कोपी एंड लेजर्स। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रल रोटेशन एनर्जी लेवल सिलेक्शन रूल्स एंड प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रल रेमन इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका पेपर 7 का ग्रुप ए और ग्रुप बी पूरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ यहाँ पे सजेस्टेड बुक के बारे में बता दिया गया। फिर आप जानते हैं कि जो पेपर 8 है वो जो है प्योर जो है वो प्रैक्टिकल पेपर है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आइए तो हम देखते हैं पेपर 8 के बारे में। पेपर 8 है उसमें जो है प्रैक्टिकल पेपर को भी दो पार्ट में बांट दिया गया। ग्रुप ए जो 50 मार्क्स का है, उसके साथ साथ ग्रुप बी जो 50 मार्क्स का है। और आपको जो है यहाँ पे उसके टॉपिक भी दे दिए गए हैं कि किस किस टॉपिक को आप तैयार कर लें, उसके साथ साथ उसका सजेस्टेड बुक भी आपको बता दिया गया। तो दोस्तों आपको आपने देखा कि इसमें जितना भी आपने अभी तक टॉपिक देखा है, इस टॉपिक के अंदर आप जो है सो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है सो इसमें आप अगर आप इसका सिलेबस खरीदते हैं तो आपको ये चीज़ आसानी से मिल जाएगा। मेन बात यह है कि आप इसके सिलेबस के बारे में आप जान लें ताकि आपको जो है सो आगे पता चल सके कि किस किस चीज़ की तैयारी हमें करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल के ऊपर आपको ललित नारायण विद्या यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट आपको दिए जाएंगे, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो सिलेबस में कोई चेंज हो उससे रिलेटेड हो, या फिर जो है बीएससी के अंदर कोई भी लेक्चर हो उसका भी वीडियो इस पर अपलोड किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।